नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड में हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। खास पेशकश में चर्चा करेंगे सनातनी पैचार्ट या घमासान को लेकर। दरअसल 22 जुलाई सोमवार से सावन शुरू हो गया है, जो 19 अगस्त को समाप्त होगा। इस बार कांवड़ यात्रा काफी विवादों में है। कांवड़ यात्रा रूट पर पड़ने वाले खाने पीने की दुकानों के मालिक और कर्मचारियों के नाम लिखने का आदेश मुजफ्फरनगर पुलिस ने दिया था, जिसे बाद में यूपी सरकार ने पूरे प्रदेश में लागू कर दिया। साथ ही उत्तराखंड और मध्य प्रदेश ने भी इसे लागू कर दिया है। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी है। नेम प्लेट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई शुक्रवार को होनी है। इससे पहले कोर्ट ने कहा था कि अगली सुनवाई तक किसी को जबरन नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। वहीं इस मामले में कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पिछली सुनवाई पर यानी 22 जुलाई को कोर्ट में यूपी सरकार से अपना पक्ष रखने के आदेश दिए थे। इसके बाद सवाल उठने लगा कि उत्तर प्रदेश में अब योगी सरकार का स्टैंड क्या होगा, कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखने के लिए सरकार क्या क्या तैयारी कर रही है, कोर्ट के आदेश को कैसे चैलेंज करेगी। वहीं इन सबके बीच मुजफ्फरनगर में होटल ढाबों पर नेम प्लेट लगाए जाने की बाध्यता के विरोध में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से मौजूदा विवाद तो थम गया, लेकिन स्वामी अश्विन महाराज ने नई मुहिम छोड़ दी है। यशवीर महाराज अब करोड़पति मार्ग हाईवे के होटल पर बता जाए संचालकों को भगवान बराह की तस्वीर होटल ढाबा पर डिस्प्ले करने का आग्रह कर रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से ऐसा मत जताते हुए कहा कि जो शुद्ध सनातनी होटल संचालक हैं वो ओबत और या भगवान बराह की तस्वीर लगाएं। यानी कुल मिला जुला कर जहां एक तरफ कल यानी 26 जुलाई को नेम प्लेट मामले पर सुनवाई होनी है, वहीं दूसरी तरफ यशवीर महाराज की नई मुहिम देखने को मिली है। तो कुल मिलाकर खास पेशकश में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बयान सुनवाते हैं कि आखिरकार नेम प्लेट और वराह ओम लिखने से किसका भला होगा, सुनिए। भगवान बराह का चित्र लगाया है स्वामी जी ने, और स्वामी जी इसी लिए आए थे, जो नेम प्लेट का मुद्दा जो चल रहा था उस पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि वो लगा भी सकते हैं, जिसकी मर्जी है वो लगा सकता है, जिसकी मर्जी है वो नहीं लगा सकता। मैंने वो पहले से ही लगा रखा है, क्योंकि मैं उसके पक्ष में हूँ। और महाराज जी ने मेरा आग्रह किया है कि जो भी शुद्ध शाकाहारी भोजन देने की क्षमता रखता है, जैसे कि मैं देता हूँ, बिना लहसुन प्याज का मेरे यहाँ पर खाना चल रहा है जब से श्रावण मास की शुरुआत हुई है, और वो मैंने चित्र लगाया है, महाराज जी ने जो चित्र हमें दिया था हमने वो अपने यहाँ पे लगाया, आप देख सकते हैं लगा हुआ है हमारे यहाँ पे, उसका लाभ मुझे भी मिलेगा और मेरा मानना ये है कि कावड़ियों को भी इसका लाभ बहुत ज़्यादा होगा। पंडित जी के नाम से शुद्ध वैष्णव ढाबा है हमारा। महाराज जी पहुँचे थे, महाराज जी ने हमें जो भगवान जी की मूर्ति दी है और वो हम यहाँ अपने होटल पर उसको लगाएंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो नेम प्लेट के ऊपर अंतरिम आदेश आया वो आ गया, लेकिन हमारा जो हिंदू समाज है वो उसके लिए बाध्य नहीं है। तो मेरा अपने सभी सनातन धर्म के मानने वालों से कहना है कि जहाँ भी आपका होटल ढाबा, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान, फलों की दुकान या खाद्य पदार्थ की कोई भी दुकान है, उस पर अपना और अपने पिता का मोटे अक्षरों में नाम लिखो, अपने आधार कार्ड की टूर कॉपी लगाओ और उस पर भगवे रंग में ओम का ध्वज लगाओ और भगवान वाराह का चित्र लगाओ, और जिस होटल पर, जिस दुकान पर जहाँ खाने का सामान मिलता है वहाँ पर भगवान वाराह का चित्र है तो आप वहीं भोजन करें, कुछ भी खाएं, क्यों भगवान वाराह का जहाँ पर चित्र है वहाँ पर भोजन में थूकने का, मूत्र करने का या गौ मांस डालने का ऐसा घृणित कार्य नहीं होगा। जहाँ भगवान वाराह की मूर्ति है वहाँ चित्र है, वहाँ आपको सात्विक शुद्ध भोजन मिलेगा,
इसलिए भोजन करने से पूर्व ये सारा देख ले और भगवान वाहरा की मूर्ति जाओ, निश्चिंत होकर के वहाँ अपना शाकाहारी सात्विक भोजन करें। हमारे साथ लखनऊ से एहसान जुड़ रहे हैं, धर्मेंद्र हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ गए हैं। चर्चा की शुरुआत धर्मेंद्र मैं आपसे करना चाहता हूं, ये पूरा प्रकरण क्या है समझाएं दर्शकों को। दरअसल क्या अब ये जो वराह का नया कॉन्सेप्ट बाबा लेकर आए हैं, क्या है ये समझाएं। बिल्कुल, देखिए पूरा प्रकरण उस समय स्टार्ट होता है जब जिला प्रशासन और राज्य के जो मंत्री है कपिल देव अग्रवाल और हिंदू जो संगठन है ढाबों के मालिक है और चाय दुकानों के जो मालिक है कवड़ मार के उनकी एक मीटिंग जिला प्रशासन मुजफ्फरनगर के साथ होती है। उसमें कुछ हिंदू संगठन और जो ढाबा कर्मी ये चीज को उठाते हैं कि कहीं ना कहीं किसी चीज को लेकर इस तरह की ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है बहुत सी बार कि ये नहीं पता लग पाता कि हिंदुओं के नाम पर कुछ मुस्लिम लोग जो है अपनी दुकानें चला रहे हैं, चाय की दुकान हो या ढाबे हो वो चला रहे हैं, उनपे कम से कम स्पष्टीकरण होना चाहिए। जिस पर कपिल देव ने तुरंत जिला प्रशासन और पुलिस को यह आदेश दिया कि इस तरह की छानबीन की जाए और उन ऐसे जो लोग हैं जो मुस्लिम लोग हैं उन्हें कम से कम ये कहा जाए कि वो अपना नाम और अपने जो स्टाफ है वहां पर वो कौन कौन लोग स्टाफ काम कर रहे हैं, कम से कम एक नेम प्लेट लगाई जाए। इसी का पालन करते हुए जिला प्रशासन ने ये सख्त आदेश उस पूरे कवड़ मार्ग पर दिए और ये लगने शुरू हो गए, जिसका विरोध ओबीसी से लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने किया, चाहे वो कांग्रेस हो या सपा हो, इसका विरोध भी शुरू हो गया। और शुरू होने के बाद वही सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश तक जो है 26 तारीख तक ही ऐसा स्थिति बनाए रखने के लिए कहा गया है। उसके बाद स्वामी यशवीर महाराज जो है आते हैं और एक अपील करते हैं ढाबा कुछ ढाबों पर जाकर महाराज भगवान वृह की तस्वीर लगाकर और झंडा लगाकर कि कावड़ मार्ग पर जो ये लोग हैं ये समझे कावड़ ये समझे कि जहाँ ये झंडा ओम का झंडा और तस्वीर होगी वो बिल्कुल शुद्ध खाना देने वाला होगा, वो आपको कहीं ना कहीं वहां आप रुक सकते हैं और खाना खा सकता है, ये पूरा मामला। एहसान मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि जो लोग नेम प्लेट लगाने को लेकर विरोध कर रहे हैं तो उनको दिक्कत क्या है, अपनी पहचान उजागर कराने में क्या कोई दिक्कत आ रही क्या? अगर कोई जान जाएगा कि अमुक दुकान वाला मुस्लिम है, अमुक दुकान वाला हिंदू है, क्या व्यापार में इसका सीधा तौर पर असर देखने को मिलेगा क्या? क्या कोई हिंदू मुसलमान की दुकान पर नहीं जाएगा क्या? क्या इस तरीके की भ्रांतियां बन गई हैं, कॉन्सेप्ट आ गए हैं क्या लोगों के दिमाग में? देखिए सौरभ, सबसे पहले जब सरकार ने ये आदेश जारी करने की बात कही, जब मुरादाबाद से ये पूरी मुहिम की शुरुआत होती है, तब उसके बाद सबसे पहले जब इस मामले की विरोध करने की प्रक्रिया शुरू होती है, वो शुरू होती है तब जब अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का ये ट्वीट आता है कि इस तरह की आदेश जारी करने के पीछे सरकार की आखिर मंशा क्या है, क्या शांति भंग कराने की कोशिश है, क्या ये तमाम चीजें अखिलेश यादव ने कही, तो साफ तौर पर ये राजनीति का मुद्दा बनता चला गया। जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस पर राजनीति गरमाई, तब से ये मामला तूल पकड़ा और सभी लोग बहती राजनीति की गंगा में अपने अपने हाथ धोने लगे। तो ऐसा क्यों, कोई भी किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हालांकि जो धरातल पर नजर आई है चीजें, उसमें ये साफ हुआ है कि सरकार ने आदेश जारी किया और उसके विरुद्ध में चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, सभी लोगों ने अपनी अपनी दुकानों के बाद अपनी पहचान लिखना शुरू कर दिया। लेकिन जो सियासतदान हैं उनकी राजनीति गरमाई रहे, इस वजह से ये मुद्दा वो लोग बार बार हाई प्रोफाइल बना रहे हैं। सौरभ, देखने को मिला कि आम सड़कों पर अगर निकल के देखा जाए तो लोगों को कोई समस्या नहीं है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो। अधिकतर लोगों ने तो अपने पहचान अपने नाम अपने बोर्ड पर अपने बैनर पर रखा हुआ है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि अगर मेरे दुकान का जायका मशहूर हो, मेरे दुकान का जायका प्रसिद्ध हो, तो वो मेरे नाम से हो, ना कि किसी दूसरे नाम से हो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकतर लोगों ने अपने दुकानों के बाहर अपना नाम लगा चुके हैं ऑलरेडी लोग, लेकिन उसके बावजूद भी जो सियासत है वो इस पर थम नहीं रही है। अब जैसे कि कल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आना है, तो देखिएगा कि ऑर्डर चाहे जो भी आए, चाहे पक्ष में आए सरकार के, चाहे सरकार का ये आदेश सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से खारिज कर दे, लेकिन इस दोनों ही मामलों में दोनों ही पहलू में राजनीति गरमाई रहेगी। तो राजनीति में बने रहने के लिए, राजनीति में कुछ ना कुछ अपना इनिशिएटिव देने के लिए जो सियासतदान है
उनके द्वारा ये सब प्रयोग किए जाते हैं। सौरभ, ठीक है धर्मेंद्र, देखिए कांवड़ यात्रा जब जब हो रहा है, पिछले कुछ सालों से आपको याद होगा कुछ न कुछ विवाद रहता है, कभी डीजे नहीं बजाना है, कभी डीजे बजाना है, और इस बार दुकानें जो लग रही हैं वहां पर नेम प्लेट लगाना है। तो क्या आस्था के साथ साथ जो राजनेता हैं वो अपने आप को एक साथ रख लेते हैं और अपना दुकान भी चमकाना चाहते हैं? तो आस्था ठीक है, जिसकी आस्था होगा जाएगा पूजा करेगा, लेकिन राजनेता ज्यादा परेशान हो जा रहे हैं, उनके पेट में कुछ ज्यादा दर्द होने लग रहा है, क्या है इस दर्द का इलाज? देखिए दर्द का इलाज तो राजनीति, लोगों को दर्द होता है क्योंकि ये करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। इस यात्रा से करोड़ों लोग जुड़े हैं, चाहे वे व्यापार की दृष्टि से जुड़े हो, चाहे वे आस्था की दृष्टि से जुड़े हो, कई करोड़ों लोग इस आस्था से जुड़े हैं और लगातार आए दिन हर साल कुछ ना कुछ विवाद रहता है। पहले डीजे को लेकर विवाद था, पहले ये त्रिशूल और जो धारदार हथियार या तलवारें लेकर आप इस यात्रा में नहीं चल सकते थे, और इस बार नया विवाद ये खड़ा हो गया है कि आप जो है जो इस रास्तों में जो दुकानें होगी या ढाबे होंगे उन पर अपना नाम लिखना होगा, उस पर पहचान बतानी होगी। हालांकि कुछ मुस्लिम जो लोग हैं, जो दुकानदार है, जो व्यापारी है, वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं हम सेवा करें किसी ना किसी रूप में, क्योंकि मुजफ्फरनगर एक ऐसा गाँव है जिस पर कम से कम 7 से 8 गांव और 1 या 2 कस्बे जो मुस्लिम बाहुल्य है वो पूरे कांवड़ मार्ग पर पड़ते हैं और वो हर साल की तरह कांवड़ियों की सेवा करते हैं, जी जान से जुड़ते हैं, और चाहे छोटा दुकानदार हो, मुसलमान या अन्य धर्म का लोग हो, वो सेवा अलग करते रहते हैं। लेकिन इस तरह की अगर पहचान के नाम पर राजनीति होगी तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के पेट में दर्द होगा, वो कोशिश करेंगे कि जो एक तबका है उसको इस तरह से बयान उनके पक्ष में देकर कहीं ना कहीं अपने पक्ष में खड़ा किया जाए, क्योंकि आगे से उपचुनाव भी यूपी में आने वाले हैं, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये चीज सब देखी जाए। जयंत जी जिस तरह से आए थे उन्होंने साफ कहा था, बीजेपी अलायंस में आकी वो है, उन्होंने कहा था कि क्या अब नाम कुर्तों पर भी लिखवाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ये सब राजनीतिक रंग देने की कवायद इस पूरी यात्रा को की जा रही है। ये आप जो कह रहे हैं जयंत चौधरी ने कहा था कि अब क्या नाम कुर्तों पर भी लिखवा लें, लेकिन मैं एक बात और ये समझना चाहता हूं धर्मेंद्र, कि आस्था या किसी का आस्था इतना कमजोर हो सकता है क्या? क्या किसी की आस्था को कोई कमजोर कर सकता है क्या? आस्था इतना मजबूत होता है, प्रगाढ़ होता है भोले बाबा में, और लोग जल भरते हैं, ले जाते हैं, तो और कई लोग और जुड़े थे हमारे साथ जो हिंदू धर्म के लोग थे और मुस्लिम धर्म के लोगों, तो उनसे मैंने पूछा क्या धर्म हमारा इतना कमजोर हो गया या कोई भी उसको खंडित कर सकता है या कोई भी उसको अपवित्र कर सकता है, क्या ऐसा हो गया है क्या? नहीं, देखिए आस्था को जो विचलित किया जा सकता है लेकिन पूरी तरह से उसे नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि आस्था अंदर से होती है, अंदर से आस्था होती है, जागती है, एक संकल्प लिया जाता है कि मैं अपनी इस मनोकामना के लिए, अपने परिवार की मनोकामना के लिए, अपने देश की मनोकामना के लिए गंगा जल लेने हरिद्वार जाऊंगा, अपने शिवालय पर या अपने आराध्य पर उसको चढ़ाऊंगा, एक मांग होती है पूरी, वो आस्था अंदर से जागृत होती है, और जिसको ये पूरा करने के लिए वो जवान जो कावड़िया है, जो भोला है, वो पूरा अपना कई 100 किलोमीटर का जो है रूट पैदल तय करता है, वो 100 लीटर से ज्यादा जल भी अपने ऊपर धारण कर एक वजन के रूप में जो है गंतव्य को प्रस्थान करता है। ये आस्था इस तरह से नहीं डगमगाई जा सकती। एहसान, आप जाते होंगे मुस्लिम बस्तियों में, लोगों से आपकी बातचीत होती होगी, आम जनमानस जो राजनीति से जिनका कोई लेना देना नहीं है, रोजमर्रा की जिंदगी में अपना काम करते हैं, अपने जो भी काम उनका है उसको पूरा करते हैं, अपने घर में आते हैं, राजनीति से जिनका कोई भी लेना देना नहीं, उनका क्या मानना है इस चीजों को लेकर, वो क्या सोचते हैं, ये ज्यादा मैटर करता है? सौरभ, देखिए पर्सन टू पर्सन की बात यहाँ पर आ जाती है, तमाम लोग तमाम राय यहाँ पर सामने आती है, मुस्लिमों का इस पूरे मामले पे कोई भी ऐसा विरोध का सिलसिला नहीं रहा, हालांकि जो मुस्लिम सियासतदान हैं उन्होंने भी अपना सियासतदान होने का फ़र्ज निभाया और अपनी राजनीति को चमकाया। सौरभ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये जानते हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, कि अगर सावन जैसा पाक महीना, पाकीज़ा महीना आया है तो उसमें कोई भी हो हिंदू, कोई भी हिंदू धर्म का व्यक्ति हो, वो नॉनवेज का सेवन नहीं करेगा या ऐसी कोई चीज़ नहीं करेगा जो उसकी शुचिता को जो है वो उसमें कहीं ना कहीं शुचिता में कमी आए, उसकी पवित्रता में कमी आए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा बातें कही जा रही हैं कि मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं या फिर बड़े पैमाने पर इसका विरोध हो रहा है।
हालांकि कुछ जो मुसलमान हैं, मुसलमान दुकानों के बाहर देखा गया जिनके में पहले नाम नहीं रहते थे या बोर्ड मिट गए थे, उन लोगों ने भी अपनी दुकानों के बाहर जब सरकार का आदेश आया तो अपनी दुकानों के बाहर बोर्ड लगा लिए, अपने नाम लिख दिए। उसमें अधिकतर धरातल पर लोगों को इतनी समस्याएं नहीं हो रही हैं, हालांकि कुछ जगहों ऐसी हैं जहां पर कट्टरवादी विचारधारा के लोग रहते हैं, तो उस कंडीशन में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सरकार के हर काम को निगलेक्ट करते हैं। सरकार अच्छा करे चाहे बुरा करे, चाहे वो आपके हित में अच्छा करे, लेकिन उनका काम होता है सरकार के जो योजनाएं हैं, सरकार की जो चीज़ें हैं उसको रेफ्यूज़ करना, उसको गलत साबित करना। तो सौरभ, ये कंडीशंस आ जाती हैं। हालांकि मोस्टली जो लोग हैं उसको इस आदेश से कोई भी समस्या नहीं है, लोग अपने आम दिनचर्या की ज़िंदगी को जी रहे हैं। एक महीने की बात है, एक महीने का सावन है, एक महीने में कुछ लोग अपनी पहरेज कर लेंगे, कुछ दूसरे लोग पहरेज कर लेंगे, तो मिलजुल कर गंगा जमुनी तहजीब के साथ ये पूरा काम हो सकता है। लेकिन वही बात आ जाती है सियासत की, तो सियासतदान अपनी दुकान चला रहे हैं, अपनी राजनीति को गरमा रहे हैं इन सारे मुद्दों को उठाते हुए। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, देखिए जैसा कि एहसान अभी कह रहे हैं, सियासतदान अपनी दुकान चमका रहे, अगर वो दुकान नहीं चमकाएंगे तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी, ये बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन एक सवाल ये मैं जानना चाहता हूँ कि कुछ अभी आज साध्वी प्राची के एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि मक्का को उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि वहाँ कोई हिंदू नहीं जाता है, वो कोई हिंदू नहीं रहता है रास्ते में, सिर्फ मुसलमान ही जाते, तो हमारे रास्ते में क्यों मुसलमान। तो ये चीज़ मुझे समझ में उनकी बात आई नहीं, कि अगर आपने पढ़ा होगा या सुना हो क्या वो कहना चाह रही थी, मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि और कुछ इसके बाद बयान शुरू हुआ कि ये विवादित बयान देने की इन्होंने ठेका ले रखा है। तो क्या कुछ व्यक्ति विशेष हैं जो खुद को सनातनी कहते हैं और मानते हैं कि हम सनातनी हैं, वो सनातन धर्म के ठेकेदार हो गए हैं, ऐसे लोग जो है समाज का जो ताना बाना है बैलेंस, क्योंकि हमारे देश में एक ही साथ रहेंगे ना, इसी देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी एक साथ रहेंगे, इसी तरीके से अगर भेदभाव होने लगा तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने लगेंगी, हम इसी में पड़े रहेंगे, डेवलपमेंट की कब बात होगी, कभी इस पर बात नहीं होती। मैं देखता हूं बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इस सिर्फ हिंदू मुसलमान धर्म कर्म इसके आगे कोई बढ़ ही नहीं रहा, अरे इसके आगे भी तो बढ़ना है, 2047 में ऐसे हम विकसित भारत बनेंगे इस तरीके से। सही कहा, जिस तरह से साध्वी जी ने बयान देती, वो आज नया बयान उनका नहीं है, लगातार वो इसी तरह से बयान देती है। हिंदू सनातनों में भी इस तरह के कई लोग हैं, दर्जनों लोग हैं, वही अगर बात की जाए मुस्लिम धर्म, वहां भी इस तरह के जो लोग हैं जो अपने अलग अलग ढपली अपना अपना राग लेकर होते हैं, और वो आए दिन ये चाहते हैं कि मुद्दा क्या है, मुद्दा आए और हम इस तरह के बयान दे और अपने आप को हाईलाइट करे, उसको विकास से उन लोगों का कोई रिश्ता नाता नहीं है, उनको उस धर्म से कोई रिश्ता नाता है, सिर्फ भाषण देना है और लोगों को भावनाओं को आहत करना, ये सब पूरा सवाल होता है। साध्वी प्राची जायपुर का जी कस्बा जो मुजफ्फरनगर और यूपी उत्तराखंड का बॉर्डर का पहला कस्बा लगता है, जहाँ स्वागत करते हैं वहाँ के 90% मुसलमान, उन हिंदू सनातनियों के, उन कावड़ियों के, और पुष्प वर्षा की जाती है पूरी रात, उन सड़कों पर बैठकर उन लोगों की सेवा करती है, उनको पता लगेगा वहां पर जाकर इस तरह के जो मुसलमान है मुजफ्फरनगर के या उस कावड़ मार्ग के वो सेवा करते हैं। जय मीनाक्षी चौक मुजफ्फरनगर के, जहाँ पर पूरा जो खाला पार जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर जो मालिश करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, भोलों की जो सेवा करते हैं, उनकी डॉक्टर इलाज करते हैं, और वहाँ पर फल वितरित करते हैं, दूध वितरित करते हैं, चिकित्सक कैंप चलाए जाते हैं, वहां पर जाकर उन लोगों को देखना चाहिए कि हिंदू और जो मुस्लिम है एक दूसरे की जो आस्था है, रमजान में हिंदू और कावड़ में जो है मुसलमान, किस तरह के एक दूसरे की सेवा करने में लीन वहां पर उन लोगों को मिलेगा। बिल्कुल, एक सवाल और धर्मेंद्र भाई आपसे समझना चाहता हूँ, इससे पहले भी कांवड़ यात्रा हुआ लेकिन इस तरीके की बातें नहीं सामने आती थी, लेकिन अचानक से कुछ ऐसे वीडियो वायरल हुए, होते रहते हैं समय समय पर, आप भी सोशल मीडिया से लगातार जुड़े रहते हैं, जो कहते हैं ना थूक जिहाद और ऐसी ऐसी कृत्य लोग करते रहते हैं, जिससे एक धर्म विशेष के प्रति लोगों के प्रति मन के अंदर एक अलग सी छवि बनने लगी, एक अलग सी पिक्चर बनने लगी। वो लोग हैं क्या, कौन, उनको क्यों नहीं आइडेंटिफाई किया जाता, उनको क्यों नहीं चिन्हित किया जाता, पहचान करा। सब लोग खराब नहीं होते, कहते ना एक तालाब मछली को, एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, ऐसे लोगों को क्या पहचान नहीं होनी चाहिए, उनको ले आना चाहिए, और जो पूरी कम्युनिटी को पूरे कौम को बदनाम कर रहे हैं, क्या बड़े लोगों को ऐसा उन लोगों को पकड़ के लाना नहीं चाहिए कि भैया क्यों ऐसा कर रहे हो, सबको बदनाम कर रहे हो। बिल्कुल होना चाहिए, ये लोग चिन्हित होना चाहिए,
जिस तरह से आए दिन मोर सोशल मीडिया पर इंटरनेट पर जिस तरह की जो तस्वीरें गूंजती है, चाहे सब्जी को लेकर है, चाहे खाना पकाने को लेकर है, इस तरह की जो चीजें गूंजती है, उन लोगों को सामने आना चाहिए और उन लोगों को चिन्हित कर एक सबक सिखाना चाहिए कि इस तरह के लोग भी है और समाज में होते हैं, चाहे वो हिंदू समाज हो चाहे मुस्लिम समाज हो, उन लोगों को चिन्हित करके सजा देने का काम करना चाहिए। हालांकि इंटरनेट पे जो वीडियो होती है वो हालांकि मुझे नहीं लगता कि कावड़ के समय में कोई इस तरह का वीडियो हो, पुरानी वीडियो है, टोटल पुरानी वीडियो, नई वीडियो अभी तक नहीं आई है। मुजफ्फरनगर में एक मारपीट के एक अशिक्षित युवक था जो कावड़ियों के ऊपर जो डंडा ले रहा था उसके विरोध में उन कावड़ियों ने उसकी पिटाई कर दी थी, एक जरूर वीडियो वायरल हुआ था मुजफ्फरनगर से। ये अभी तक कावड़ मार्ग पर इस तरह का कोई वीडियो वायरल नहीं हुआ या कावड़ मार्ग पर इस तरह का कोई शिकायत अभी तक नहीं आई है कि फला ढाबे पर मुसलमानों ने ये कर दिया वो कर दिया, इस तरह की कोई शिकायत मुजफ्फरनगर प्रशासन को अभी तक नहीं मिली है। बिल्कुल ऐसा नहीं, एक सवाल मेरा आपसे कि जो कमेटी को लेकर मैं सवाल पूछ रहा था, आप युवा रिपोर्टर हमारे हैं, आप देखते होंगे समझते होंगे, धर्मेंद्र भी युवा रिपोर्टर हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या ऐसे लोगों की पहचान नहीं होनी चाहिए, वो लोग कौन हैं जो एक कम्युनिटी को एक कौम को बदनाम कर रहे हैं उनकी वजह से, और छींटे जो है लोगों अन्य लोगों पर भी पड़ने लगते हैं। बिल्कुल सौरभ, ये मानसिकता की बात होती है, कुछ लोगों की मानसिकता ही नेगेटिव होती है। जो एक तहजीब हमारे यहाँ चली आ रही है, गंगा जमुनी तहजीब, जिसमें एक भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इस तहजीब को ख़त्म करने का ठेका कुछ लोगों ने ले रखा है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, एक धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हर धर्म में कुछ परसेंट एक ऐसे लोग होते हैं जो इस पूरी जो शांति है, जो अमन है, इसको कहीं ना कहीं भंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिशों में वो अपने कामयाब नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को चिन्हित करके स्पेशली ऐसे लोगों के पे कार्रवाई करनी चाहिए जो इस तरह की बयानबाजी देते हैं, जो हर अच्छे काम को बुरे में तब्दील करने की कोशिश करते हैं, जो अपने साथ साथ जो बेहतर। चलिए एहसान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और धर्मेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज स्पेशल रिपोर्ट पे हमने बात की सनातन धर्म पहचान नया घमासान। अब सवाल ये, सनातन धर्म बहुत मजबूत धर्म है, किसी सबकी आस्था है और आस्था होनी चाहिए, बहुत पुराना धर्म है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्म के आड़ में अपनी दुकान चला रहे हैं। किसी के छूने से कोई धर्म अपवित्र नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसी कृत्य करते हैं जिसको लगता है कि नहीं, हम पाक से अपाक हो गए हैं, हम नापाक हो गए हैं। ऐसे लोगों को भी पहचान होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में ये जो मुहिम चली है कि नेम प्लेट लगाना चाहिए, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। अब हो सकता है कि कांवड़ मार्ग में कुछ ऐसे भी लोग हों जो बहुत अच्छा व्यंजन बनाते हों, उनकी प्रसिद्धि बढ़ सकती है, लेकिन नाम छिपाकर क्या आप अपनी क्वालिटी को, अपनी क्वांटिटी को कमजोर करेंगे क्या? अगर आपका कुछ भी नाम है, हो सकता है आपका नाम मोहम्मद इरफान एक एग्जाम्पल है, और हो सकता है आपका नाम रहीम हो, राम हो, इस तरीके के नाम हो सकते हैं जो हिंदू और मुसलमान रखते हैं, आप अपने नाम को क्यों छिपा रहे हैं, अपनी पहचान को क्यों छुपा रहे हैं? क्या आपको इस बात का डर है, भय है कि कांवड़ यात्रा में हिंदू धर्म के लोग ही भगवान शिव को जलाभिषेक करने जाते हैं? ऐसा अगर आप नाम छिपाकर आप नूर आलम से अगर जहीर हो जाएंगे, या फिर आप कोई और नाम हिंदू आप रख लेंगे, बाबा रख लेंगे, या एक्स वाई जेड एक एग्जाम्पल है, तो क्या आपका व्यापार चौपट हो जाएगा? सवाल कई हैं, लेकिन आपको अपनी पहचान नहीं छुपानी है, आप जो हैं वही आपको बताना पड़ेगा, ये सरकार की मंशा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है इसको लेकर इंतजार कीजिए। नमस्कार।